नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले टेक न्यूज और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल इंडियन टेक जुगाड़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरण कुमार, आप देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टेक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक टेक न्यूज देने वाला हूं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो पहली यहां पर टेक न्यूज निकल कर आ रही है वो यहां पर नोकिया की तरफ से निकल कर आ रही है। एचएमडी ग्लोबल ने कहा है कि जो नोकिया के डिवाइस उन्होंने सेल करने स्टार्ट किए हैं तो इस ईयर में यानी कि 2017 में अभी तक उन्होंने 1 मिलियन डिवाइस सेल कर दिए, यानी कि नोकिया 3, नोकिया 5, नोकिया 6 या नोकिया 8 की बात की जाए तो टोटल मिलाकर अभी तक ये डिवाइस जो है 1 मिलियन डिवाइस सेल कर चुका है एचएमडी ग्लोबल। तो काफी अच्छी बात है कि दोबारा से जो है नोकिया यहां पर सक्सेसफुल होने जा रहा है। और फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है वो ब्लैकबेरी की तरफ से निकल कर आ रही है कि ब्लैकबेरी अपना नया स्मार्टफोन ब्लैकबेरी मोशन लॉन्च करने जा रहा है। और इस स्मार्टफोन की बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में आपको जो डिस्प्ले मिलने वाला है वो 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिलने वाला है, जिसमें आपको 4GB का रैम और 32GB का इंटरनल स्टोरेज मिलने वाला है। अगर यहाँ पर प्रोसेसर की बात की जाए तो इस डिवाइस में यानी कि ब्लैकबेरी मोशन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर मिलने वाला है। और अगर फोटोग्राफी की बात की जाए तो रियर में आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, जबकि फ्रंट में मिलने वाला है आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा। और जो बैटरी इस डिवाइस में होगी वो 4000mAh की होने वाली है। अगर प्राइस की यहाँ पर बात की जाए तो करीबन $460 के आसपास इसका जो है प्राइस रहने वाला है, यानी कि इंडिया में इसका जो प्राइस रहेगा वो करीबन ₹30,000 के आसपास रहने वाला है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही वो जियो की तरफ से निकल कर आ रही कि जियो का पेमेंट बैंक, जी हाँ दोस्तों, जियो पेमेंट बैंक दिसंबर 2017 में लॉन्च किया जा सकता है। तो देखते हैं कि दिसंबर 2017 में जियो का पेमेंट कब लॉन्च किया जाने वाला है। आज सिर्फ ये न्यूज निकल कर आई है कि जियो का पेमेंट बैंक जो होगा वो दिसंबर 2017 में लॉन्च किया जा रहा है। और फ्रेंड्स, जो अगली न्यूज निकल कर आ रही है वो हुआई की तरफ से निकल कर आए कि हुआई का नया मोबाइल हुआई मेट 10 यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है इंडिया में, और वो लॉन्च किया जा सकता है 10 अक्टूबर को। इसकी कुछ एक इमेज यहाँ पर निकल कर सामने आई इसके फ्रंट पैनल की। अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो इस डिवाइस में आपको 5.9 इंच का क्या HD प्लस डिस्प्ले मिलने वाला है, यानी कि डिस्प्ले काफी अच्छा इस डिवाइस में आपको मिलने वाला है। और जो रैम इस मोबाइल में होगा तो इसके दो वेरियंट आपको मिलेंगे, पहला होगा आपका 6GB वाला वेरियंट और दूसरा होगा 8GB वाला वेरियंट। और जो इस मोबाइल में आपको प्रोसेसर मिलेगा वो किरिन का 970 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलने वाला है, साथ में आपको 4000mAh की बैटरी मिलेगी। अगर यहाँ पर OS की बात की जाए तो हुआई मेट 10 में आपको एंड्रॉइड ओरियो मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इसमें आपको मिलने वाला है। और फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है वो ट्राई की तरफ से निकल कर आ रही है कि ट्राई के जो सेप्टेम्बर महीने के जो स्पीड टेस्ट के रिजल्ट थे वो ट्राई ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया। तो अगर यहाँ पर डाउनलोडिंग स्पीड टेस्ट रिजल्ट की बात की जाए तो जो सबसे पहला नंबर आता है वो यहाँ पर जियो का आता है, और जो जियो की डाउनलोडिंग स्पीड रही है वो 18.443 MPS रही है। दूसरा नंबर यहाँ पर वोडाफोन का आता है, और जो उसकी डाउनलोडिंग स्पीड रही है वो 8.99 MBPS रही है। तीसरा नंबर यहाँ पर आइडिया का निकल कर आता है, जिसकी डाउनलोडिंग स्पीड यहाँ पर रही है 8.746 MBPS। और चौथे नंबर पर जो नंबर आता है वो आता है एयरटेल का। एयरटेल का जो यहाँ पर डाउनलोडिंग स्पीड निकल कर आया है वो 8.550 MBPS निकल कर आया है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात की जाए तो ओपन सिग्नल की तरफ से भी कुछ एक ऐसे ही रिजल्ट निकल कर आए थे जिनमें बताया गया था कि एयरटेल की स्पीड सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं उनमें बताया जा रहा है कि जियो की स्पीड सबसे ज्यादा है। तो पता नहीं इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अगर अपलोडिंग स्पीड की बात की जाए तो यहाँ पर आइडिया सबसे ऊपर रहा है 6.307 MBPS के साथ। दूसरे नंबर पर आता है वोडाफोन 5.776 MBPS के साथ, और तीसरे नंबर पर यहाँ पर जियो आता है 4.134 MBPS के साथ। साथ में जो एयरटेल रहा है वो चौथे नंबर पर रहा है 4.088 MBPS के साथ। यानी कि आइडिया रहा है अपलोडिंग स्पीड में फर्स्ट और जियो रहा है डाउनलोडिंग स्पीड में फर्स्ट। और फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है वो शाओमी की तरफ से निकल कर आ रही है कि शाओमी का जो मी मिक्स 2 है वो इंडिया में 10 अक्टूबर को लॉन्च किया जा रहा है। अगर इस डिवाइस की बात की जाए तो अभी इसे कुछ दिन पहले चाइना में लॉन्च किया गया था। इस डिवाइस में आपको 6GB का रैम मिलता है और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। इस डिवाइस के दो वेरियंट और आते हैं जिनमें आपको 128GB और 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। अगर मी मिक्स 2 के स्क्रीन साइज की बात की जाए तो इसमें आपको 5.99 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है, जिसका एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पर 18:9 का निकल कर आता है। अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो इस डिवाइस में आपको स्नैपड्रैगन 835 का प्रोसेसर मिलने वाला है। रियर में आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, जबकि फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है। और फ्रेंड्स, जो यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है वो यहाँ पर Xiaomi की तरफ से ही निकल कर आ रही है कि Xiaomi का Redmi Note 5 जल्दी लॉन्च किया जा सकता है, और इस डिवाइस में जो आपको डिस्प्ले मिलने वाला है वो 18:9 रेशियो का डिस्प्ले मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये जो इमेज निकल कर आई है Redmi Note 5 की निकल कर आ रही है, और आपको फिजिकल कोई भी की यहाँ पर सामने की तरफ नहीं मिलने वाली, आपको ऑन स्क्रीन नेविगेशन कीज मिलने वाली है, और पीछे की तरफ आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो डिजाइन किया गया फोन का वो काफी अच्छा लुक निकल कर आया है, और शायद ये Xiaomi की तरफ से Redmi Note 4 पर काफी बड़ा अपग्रेड किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ एक टेक न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।